तो दोस्तों पिछली जो मैंने वीडियो बनाई थी सिटी कार्ड के रिगार्डिंग, उसमें लोगों के कई सारे क्वेरीज थे जो मैं इस वीडियो में आंसर करूंगा और भी सिटी बैंक के रिगार्डिंग जो है हम बात करेंगे कि कितने तरीके के कार्ड होते हैं और क्या क्या कार्ड के क्या क्या बेनिफिट हैं। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं ज्वाइनिंग फीस और एनुअल फीस की। तो यार मैं ये बता दूं कि मोस्ट ऑफ द कार्ड्स की ना ज्वाइनिंग फीस नहीं होती है। तो सिटी बैंक क्रेडिट कार्ड की भी जो है कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं है, चाहे आप उसमें कोई से भी कार्ड के लिए अप्लाई करें। जो मैं बता रहा हूँ हर कार्ड के लिए एप्लीकेबल है सिटी बैंक के, चाहे वो आपका रिवार्ड कार्ड हो या इंडियन ऑयल कार्ड हो या कोई सा भी कार्ड हो। और जो एनुअल फीस है ना दोस्तों, उसका कुछ सिस्टम इस तरीके से है कि अगर आपने एक साल में जो है सिटी क्रेडिट कार्ड जोन सा भी आपके पास है, उसमें अगर आपने जो भी स्पेंड किया हुआ एक साल में, अगर वो 30,000 से ऊपर बैठता है तो आपको कोई एनुअल फीस नहीं देनी पड़ेगी। अगर जो आपके पूरे एक साल में उस कार्ड में 30,000 से ऊपर अमाउंट स्पेंड नहीं हो पाए तो दोस्तों आपको 1,000 रुपए का जो है फी पे करना पड़ेगा। बाकी दोस्तों इनके कई सारे कार्ड्स अवेलेबल होते हैं, हर किसी टाइप के पर्सन के लिए इन्होंने हर तरीके के कार्ड बना रखे हैं। तो एक एक करके हम देखते हैं कौन से कार्ड है जिनके लिए जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहला कार्ड और जो सबसे ज्यादा चलने वाला कार्ड है दोस्तों सिटी का, वो है सिटी बैंक रिवॉर्ड्स कार्ड। तो इसमें जो है क्राइटेरिया यही है कि 125 अगर आपने स्पेंड किया है तो उसका आपको 1 रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा इस कार्ड पे। कुछ एडिशनल बेनिफिट्स इस कार्ड के हैं, जैसे कि अगर आप डिपार्टमेंटल या फिर अपैरल स्टोर्स में जो परचेस करते हैं इस कार्ड के थ्रू, चाहे वो ऑनलाइन हो या फिर फिजिकली जाके करें, तो आपको जो है 10x यानी 10x कह सकते हो आप रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। और अगर मान लो आपका एक महीने में इस कार्ड पे जो है खर्चा 30,000 से ऊपर चला जाता है तो आपको 300 बोनस पॉइंट्स मिलेंगे इस कार्ड पे। और दोस्तों सबसे मेन जो इसमें बात है, अगर आप इस कार्ड को अप्लाई करते हैं, आपका कार्ड अप्रूव हो जाता है, सिटी बैंक का रिवॉर्ड कार्ड एक्टिवेशन हो जाता है, तो एक्टिवेशन होने के बाद आपको 2,500 तक के जो है पॉइंट्स मिल सकते हैं इस कार्ड में। अब इसमें ये नहीं बोला है कि कार्ड एक्टिवेट करते हो तो 2,500 मिल जाएंगे टोटल, यहाँ पे अप टू 2,500 बोले हैं। और इसकी जो है कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं कि अगर आप 30 दिन में अपना पहला स्पेंड करते हैं कार्ड पे तो आपको 1500 के पॉइंट जो है क्रेडिट होंगे। और अगर 60 दिन के अंदर आपने 1,000 रुपए का जो है ट्रांजैक्शन कर लिया तो आपको 1,000 पॉइंट्स मिलेंगे। दूसरा जो कार्ड है दोस्तों सिटी बैंक की तरफ से, वो है सिटी कैशबैक क्रेडिट कार्ड। आप कोई भी फोन, यूटिलिटी बिल पेमेंट या मूवी टिकट परचेस करते हैं तो उस पर आपको जो है 5% का कैशबैक इस कार्ड पे मिलेगा। तो ये हमारी डेली नीड्स है दोस्तों, डेली तो नहीं, ऑलमोस्ट कह सकते हो मंथली नीड्स है, क्योंकि फोन और यूटिलिटी बिल्स तो हम ऑलमोस्ट एक महीने में पे करते हैं। तो आप देख पा रहे हो कि किस तरीके से स्पेसिफिकली जो है लोगों को टारगेट करके कार्ड्स बनाए हुए हैं। पहला था रिवॉर्ड कार्ड जो कि हर बंदा यूज कर सकता है, इसीलिए वो सबसे पहला कार्ड था। दूसरा ये जो है कैशबैक क्रेडिट कार्ड है, तो ये स्पेसिफिकली जो ज्यादा बिल पेमेंट्स या फिर यूटिलिटी बिल पेमेंट्स करते हैं उनके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा। दोस्तों इनके अलावा अगर आप कोई भी और स्पेंड करते हैं तो आपको 0.5% का कैशबैक इस कार्ड पे मिलेगा। और दोस्तों एक चीज आप नोटिस कर रहे होंगे, जिस तरीके से कार्ड के नाम है उसी तरीके से यहाँ पे जो है रिवॉर्ड पॉइंट के भी नाम रख दिए गए। जैसे पहला हमारा सिटी बैंक रिवॉर्ड कार्ड था, उसके जो भी पॉइंट्स होते हैं उनको रिवॉर्ड्स बोल देते हैं। दूसरा जो है कैशबैक क्रेडिट कार्ड है, तो जो भी पॉइंट्स होते हैं ना उसको कैशबैक बोलते हैं। तीसरा जो कार्ड दोस्तों इंडियन ऑयल सिटी कार्ड है, तो यहाँ पे दोस्तों इन्होंने जो पॉइंट्स का नाम दिया वो टर्बो पॉइंट्स नाम दिया हुआ है, जो आप इस कार्ड के थ्रू अर्न करते हैं। दोस्तों अगर आप खुद की प्राइवेट व्हीकल ज्यादा यूज करते हैं, आप गाड़ी जो आपकी पेट्रोल खाती है, तो ये कार्ड आपके लिए यार बहुत ज्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि इसमें जो है 150 के स्पेंड पे आपको 4 टर्बो पॉइंट्स मिलता है। 1% का दोस्तों इसमें जो है फ्यूल सरचार्ज का रिवर्सल भी मिलता है। और मैं एक और बात पर्सनली बता दूं इस कार्ड के रिगार्डिंग कि इंडियन ऑयल में भी कुछ इंडियन ऑयल के ही जो आउटलेट्स है वहाँ पे सिटी बैंक क्रेडिट कार्ड की मशीन होती है, कार्ड स्वाइप मशीन होती है ना, वो पर्टिकुलरली सिटी की होती है, तो उसी में ही ट्रांजैक्ट करना, उसके अलावा किसी में ट्रांजैक्ट मत करना, वरना आप एडिशनल पैसों से हाथ धो बैठोगे, आपको एडिशनल कॉस्ट वहाँ पे इनकर हो जाएगी। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था दोस्तों, वो मैंने आपसे शेयर कर दिया यहाँ पे। दोस्तों ये तो थी पेट्रोल पे अगर आप 150 का स्पेंड करते हैं तो 4 पॉइंट मिलेंगे जो टर्बो पॉइंट्स हैं। अगर आप ग्रोसरी से सुपरमार्केट से इस कार्ड के थ्रू जो है ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको 2 टर्बो पॉइंट्स मिलेंगे। बाकी कोई भी स्पेंड अगर आप करते हैं दोस्तों तो आपको इस कार्ड में जो है 1 टर्बो पॉइंट मिलेंगे। स्पेंड अमाउंट दोस्तों वही है 150 का। इन्होंने दोस्तों यहाँ पे ये भी बताया हुआ है कि 1 टर्बो पॉइंट जो है 1 रुपए के फ्यूल के दाम के बराबर है। और यहाँ पे अगर आप 30 दिन के अंदर अंदर इसमें स्पेंड करते हैं अपने कार्ड से तो आपको 250 टर्बो पॉइंट जो यहाँ पे मिल सकते हैं। एक और इन्होंने रिवार्ड इस कार्ड पे रखा हुआ दोस्तों, वो ये है कि आपको एनुअली जो है 71 लीटर का फ्यूल फ्री मिल सकता है। अब ये अप टू 71 लीटर का फ्री पेट्रोल है, तो मतलब पेट्रोल तो नहीं, मतलब फ्यूल है, तो आप समझ ही रहे होंगे इसमें कुछ ना कुछ कंडीशन होंगी। तो यहाँ स्क्रीन में मैं आपको शो कर दूंगा, पढ़ सकते हैं इसको। इन्होंने यार ऑन एन एवरेज कैलकुलेट करके बताया कि अगर आप इतने स्पेंड करते हैं तो उसमें आपको इतने पॉइंट्स मिलेंगे, और उन पॉइंट्स को अगर आप रिडीम करते हैं तो वो इतने फ्यूल के बराबर। तो वही है, मैं वही कह रहा था कि इन्होंने स्पेसिफिकली पर्सन टारगेट करके कार्ड्स बनाए हुए हैं, तो इनकी एस्टिमेशन भी कई हद तक सही है। ये अगर आप काफी ज्यादा यूज करते हैं अपनी प्राइवेट व्हीकल जिसमें पेट्रोल खाती है वो व्हीकल, तो उस हिसाब से बिल्कुल सही कैलकुलेशन बैठता है। अगला जो कार्ड है दोस्तों वो है सिटी प्रीमियर माइल्स क्रेडिट कार्ड। तो इसमें उन्होंने ये बोला है कि यार ये कार्ड एक्टिवेट होने से मतलब अप्रूव होने के बाद पहले 60 दिन में अगर आप 1000 रुपीज का भी स्पेंड करते हैं तो आपको 10,000 जो है इसमें माइल्स मिले। तो वही है पॉइंट्स को उन्होंने यहाँ माइल्स बोल दिया, और उन्होंने वेबसाइट भी दी हुई है जो प्रीमियर माइल्स होती है, उसमें जाके अगर आप स्पेंड करते हैं मिनिमम 100 का भी तो उसके लिए आपको 10 माइल्स मिलेंगे। माइल्स आप समझ ही गए होंगे कि यहाँ पे यार एयर ट्रेवल की बात हो। बाकी कोई भी अगर आप अदर स्पेंड करते हैं दोस्तों, इसका अमाउंट 100 रुपए का भी होगा अगर, तो आपको 4 माइल्स मिलेंगे उसके। बाकी कुछ कॉम्प्लीमेंट्री बेनिफिट्स भी हैं दोस्तों, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। आखिरी जो 2 कार्ड्स हैं दोस्तों बहुत ही स्पेसिफिक कार्ड्स हैं, तो इनके बारे में मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा। मैं यहाँ पे आपको स्क्रीन में शो कर दूंगा क्या क्या चीजें प्रोवाइड करते हैं, वहाँ देख सकते हैं। तो होप सो दोस्तों आपको वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, सारे कार्ड्स के बारे में पता लगा होगा, और आपको ये भी समझ में आया होगा कि क्यों इन्होंने अलग अलग कार्ड्स बनाए होंगे, क्योंकि हर इंसान की नीड्स अलग होती है दोस्तों। उनके नीड्स के हिसाब से कार्ड बनाए गए हैं। इससे ज्यादा पेट्रोल पे खर्च करने वाला पेट्रोल वाला कार्ड ले सकते हैं, इंडियन ऑयल वाला। बाकी रेस्ट ऑफ द कार्ड्स ये सब मैंने आपको बता दिया दोस्तों। और दोस्तों जो भी कैश की बात होती है क्रेडिट कार्ड में, सिटी के या किसी भी क्रेडिट कार्ड की बात होती है, तो आपके नेक्स्ट जो है मंथली स्टेटमेंट में अवेलेबल हो जाता है। वहां पे आप देख सकते हैं अगर आपको पिछले मंथ कोई कैशबैक मिला था तो आपके नेक्स्ट मंथ में वो स्टेटमेंट में शो हो जाएगा। और दोस्तों अगर आप मुझसे पूछे कि सबसे बेस्ट क्रेडिट कार्ड कौन सा है, तो मैं आपको दोस्तों ये सजेस्ट करूंगा कि Amazon का ICICI क्रेडिट कार्ड। अगर आप Amazon के प्राइम मेंबर हो तो आपको कार्ड के अप्रूवल पे 1000 रुपीज का Amazon पे बैलेंस मिलेगा, और अगर आप नॉन प्राइम यूजर है Amazon के तो आपको 750 का जो है Amazon पे बैलेंस मिलेगा कार्ड के अप्रूवल होने पे। और दोस्तों कई सारे बेनिफिट्स हैं इसके, आई बटन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, मैंने वीडियो बना रखी है इसके रिगार्डिंग, आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। तो इतना ही था दोस्तों आज के वीडियो में, मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए।